अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी 14 अगस्त की आई मेकअप लुक मैंने रिक्रिएट कर दी है। बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि 14 अगस्त से रिलेटेड कोई सिंपल सी आई मेकअप लुक रिक्रिएट करें, तो आप सबको 14 अगस्त मेरी तरफ से एडवांस में बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आज ही मैंने ये सिंपल सी आई मेकअप लुक रिक्रिएट कर दी है। यहाँ पर जी मैंने ब्रो पोमेंट लिया है, ब्यूटी क्लिस्ट का ये ब्रो पोमेंट है। हल्का सा मैंने इसे अपने एंगल ब्रश पर लिया है और जो मेरी आईब्रोज हैं उनके गैप को मैं फिल कर दूंगी। पहले मैंने, आप देख सकते हैं कि आईब्रोज के ऊपर लाइन लगाई है। इस तरह से आईब्रोज को पहले शेप दे लेनी है और जो दरमियान में जो गैप रह जाएंगे उसको हमने बहुत ही लाइटली उनको फिल कर देना है। अच्छे से आईब्रोज को फिल कर देना है, उसके बाद दोबारा से स्पूली ब्रश के साथ आईब्रोज को कॉम करना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो आईब्रोज में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद जी मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, उस पर मिस रोज का कंसीलर लिया है, शेड है एवरी 6। इसके साथ मैंने अपनी आईब्रोज को नीट करना है और आईलिड पर अप्लाई करूंगी ताकि जो भी हम शेड अप्लाई करें उसका पिगमेंट अच्छे से आए। इस तरह से आईलिड और अंडर आई पर कंसीलर लगाकर कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना और जब थोड़ा ही सा ये स्टिक हो जाएगा, जब इसको हम ब्लेंड करें तो बड़ा अच्छे सा ये ब्लेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्टिपलिंग ब्रश के साथ इसे मैंने ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने कम्पैक्ट पाउडर के साथ इसे सेट कर दिया है क्योंकि गर्मी है ताकि बेस क्रीज ना करे। उसके बाद जी मैंने आउटर कॉर्नर पर इस तरह से टेप अप्लाई कर दी है और ट्रांजिशन शेड लिया है मैंने ऑरेंज सा, इसको मैंने अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश पर ये ग्रीन शेड लिया है, इसको मैंने पूरी अपनी आईलिड पर अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के स्केचेस को मैंने ब्लेंड किया है, सेम उसी शेड का मैंने मेटालिक शेड लिया है, उसको दोबारा से मैंने अपनी आईलिड पर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद जी मैंने व्हाइट हाइलाइटर लिया है, उसके साथ मैंने इनर कॉर्नर और ब्रो बोन को हाईलाइट किया है और दोबारा से फ्लफी ब्रश से उसको नीट कर दिया है। यहाँ पर जी मैं विंग आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, तो आउटर कॉर्नर पर टेप अप्लाई की है तो ईजिली आपका ये आईलाइनर अप्लाई हो जाएगा। ब्लैक आईलाइनर अप्लाई करने के बाद ये वाले मेरे पास ग्लिटर्स थे, इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिए हैं और सेम वही ग्रीन शेड मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया है और वही ऑरेंज शेड के साथ इसकी मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है। यहाँ पर जी मैंने व्हाइट काजल अप्लाई किया है, आप चाहें तो ब्लैक काजल भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद मैंने आईलैश कलर से अपनी आईलैशेस को कर्ल किया है और अपर और लोअर लैश लाइन पर मस्कारा अप्लाई किया है। मस्कारा जो मैंने यूज़ किया है वो असेंस का है। उसके बाद जी मैंने ब्लश ऑन और हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मेरी आई मेकअप लुक हो गई है कम्प्लीट, बहुत ही सिंपल और ईजी सी। और कैसी लगी आप सबको आज की आई मेकअप लुक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी और मेकअप की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलरेडी अगर पीका की आई मेकअप लुक की रिक्वेस्ट है ये, तो वो भी इंशाल्लाह मैं इसी भी कंप्लीट कर दूंगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।